नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा वायरल। दोस्तों आपका स्वागत है। ऐसा करने पर अब चीन ने दी भारत को धमकी। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी दुनिया ही प्रभावित हो रही है। इसी कारण लगभग सभी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम को सख्त करने का फैसला किया है। भारत का ये फैसला पड़ोसी देश चीन को रास नहीं आया है। इस पर चीन ने एतराज़ जताते हुए विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। इस पर भारत के मेडिकल सप्लाई के लिए चीन पर बहुत ही निर्भर है और भारतीय कंपनियों की कथित अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने का प्रयास कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न संकट कि इस घड़ी में सप्लाई पाने के लिए ही मुश्किल पैदा करेगी। कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए चीन कमज़ोर भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण न कर सके, इसके से बचने के लिए भारत सरकार ने FDI के नियमों को सख्त करने का फैसला किया था। इन नए नियमों के तहत भारत की सीमा से जुड़े किसी भी देश के लिए नागरिक या कंपनी के निवेश में पहले भारत सरकार की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।